उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने वनाधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया। इस अवसर पर तमाम राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार साझा किए। इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बताया कि वन अधिकार और उससे जुड़े मुद्दों को लेकर एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जंगल हमारे प्रदेश की जीवन रेखा है, जिसे काट दिया गया है। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से वसूले जाने वाले पानी के बिल का भी जिक्र किया। किशोर उपाध्याय ने कहा कि एक और राजस्थान की सरकार जनता को मुफ्त पानी उपलब्ध करवा रही है, तो ये उत्तराखंड में गंगा जैसी नदियां होने के बावजूद भी सरकार राज्य के लोगों से पानी का बिल वसूल कर रही है। किशोर उपाध्याय ने कहा कि हमारी सरकार से मांग है कि प्रदेशवासियों को भी मुफ्त पानी उपलब्ध करवाया जाए। ये बिंदु भी था कि यहाँ के लोग, क्योंकि हम पानी के फैक्ट्री के स्वामी, अब उसी को अगर बिल देना पड़ रहा है और बाकी लोग मौज कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने पानी के बिल माफ़ कर दिए, उसी तरह से मैं बधाई देना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी को। उन्होंने कल निर्णय लिया कि हम राजस्थान में, और राजस्थान में तो पानी की बड़ी परेशानी है, आप सब लोग जानते हैं कि हम कोई पानी के कोई बिल नहीं लेंगे। तो उसी तरह से, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, हम लोगों ने, मैं, प्रेम बौखंडी जी और साथियों ने यहाँ पर एक छोटी सी परिचर्चा रखी है, और हम सरकार से चाहेंगे कि ठीक उसी तरह से यहाँ लोगों से पानी के सारे बिल माफ़ किए जाएं। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ पुष्पा पुंडीर की रिपोर्ट।